वी फैक्टर इस सेंस में मैंने करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्यूरी बनाई है उसी तरह मैं यहाँ पर भी क्यूरी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसको यहाँ से कट कर लूँगा, यहाँ पे क्यूरी का ऑब्जेक्ट दे दूँगा और इसको यहाँ पर करके ये कर दूँगा। ये काम सही हो गया। मैं यहाँ पर नीचे भी मैं यही करना चाह रहा हूँ कि अगर कैटेगरी क्योंकि नन हो सकती है तो मैं सेम यही काम करना चाह रहा हूँ कि अगर कैटेगरी की लेंथ ज़्यादा है तो फिर सेक्शन में कैटेगरी पास कर दो, अदरवाइज ना कर। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जो क्यूरी बनाई है इसमें भी ये सेम ही काम करेंगे। इसको मैं सारे को कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए और ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। ये सही है, ये जो है ये फ्रॉम और टू है, ये काफ़ी आसान है। इसको यहाँ से डिलीट करते जाते हैं और यहाँ पर सोर्सेज में सोर्स ऐड करना अगर उसकी हो। ये यहाँ पर हो गया और सेम इसको भी इस तरह ही करना। क्यूरी क्यूरी दिस और इस सारे को कॉपी कर लेना, यहाँ से इधर कर देना। और अगर कीवर्ड है तो कीवर्ड में इसको ख़त्म कर दो, डेट स्टार्ट में इसको ख़त्म कर दो, डेट एंड में इसको ख़त्म कर दो, इसको कॉपी कर लो। कैटेगरी यूआई इसमें कैटेगरी आ जाएगी। सोर्स यूआई इसमें सोर्स आ जाएगा और इसके साथ ये काम खत्म हो गया। यहाँ पे ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसको अपडेट कर दिया हमने और इसको भी अपडेट कर दिया। सर्वर से पेज और यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा दिस 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 ओके ठीक है। ये अपडेट हो गया। एक दफ़ा एपीए कॉल करके सर देख लेंगे कि अभी तक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। सेंड और ये न्यूज़ के साथ 18 सेकंड लेता है तो इसको मैं अब की बार इसने काफ़ी जल्दी कर ली। कभी कभी ये खैर ये यहाँ पर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे वापस आते हैं और नेक्स्ट अब हम इसको अपडेट करते हैं। इसको एसिंक में से वापस सिंक में लेके आते हैं और यहाँ पे जब हम गेट कर रहे होते हैं बेसिकली ये वाला काम जो होगा गेट कोडी और डी कोड वाला काम मैं यहीं पे कर दूँगा वापस ही। और यहाँ पे जब फेच कर रहे होंगे कॉल करेंगे तो उसको ट्राई कैच में रैप कर देंगे और इसको स्टार्ट नल से कर देंगे जस्ट इन केस। फ्रंट एंड पे फिर वैलिडेशन लगा देंगे कि अगर नल है तो फिर इसमें मतलब डाटा नहीं आया और बाकियों में डाटा जो आया कम से कम फ्रंट एंड पे एरर कम से कम शो करवाएं, ये मकसद है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करूँगा और सबसे पहले इसको कमिट कर लेंगे। की बार इसको मैं वापस गेट में ले आऊँगा, यहाँ पर बेस्ट आएगा और ये इक्वल हो जाएगा रिटर्न
जेसन डिकोड सॉरी रेस गेट बॉडी गेट कंटेंट्स, ये एक रिफैक्टर किया रेस, ये दो को रिफैक्टर किया और ये गेट हो जाएगा, तीन को रिफैक्टर किया, ये तीनों रिफैक्टर हो गए। यहाँ पे ऊपर आएंगे और ऊपर भी ये सेम ही काम करेंगे। ऊपर अब इसको ये करेंगे, इस तरह ये इस तरह से और इस तरह से ये हो गया। इसको ख़त्म कर देंगे, इसका कोई फायदा नहीं है, इसको भी ख़त्म कर देंगे, इसका भी नहीं है, और इन तीनों को स्टार्ट करेंगे नल के साथ और एपीआई कॉल करेंगे तीनों के इंडिविजुअली। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि एपीआई कॉल ट्राई कैच में होगा। ट्राई कैच ट्राई कैच ये, इससे ये फायदा हुआ कि अगर कोई एक एपीए फेल हो जाती है किसी वजह से तो बाकी दो या कम से कम एक से किसी से कुछ डाटा रिस्टार्ट कर दे। और मैं यहाँ पे अब मैन्युअली इसको करूँगा, ख़राब करूँगा इसकी कॉल को, लेट से तीनों को ख़राब कर देते हैं ताकि टेस्ट सही हो। ये सॉरी यहाँ पे और यहाँ से पोस्टमैन में डायरेक्ट, यहाँ से और पोस्टमैन में डायरेक्ट पोस्टमैन में आते हैं, सेंड करते हैं और देखते हैं। ओके एरर आया, उन सबका नल आ गया। सिंपली टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, ये मैंने पहले ही बताया टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट
ओके, ये हमने यहाँ पे इसे रिफैक्टर कर लिया, और यहाँ पे एक दफ़ा फिर कॉल करके देख लेते हैं। जब सक्सीड होता है तो यहाँ पर हमारा जो टाइम आ रहा है वो ऑलमोस्ट 14 सेकंड आए थे जब फेल हुआ, और 9 सेकंड जब सक्सीड। लास्ट टाइम ये 4 सेकंड के करीब था, 4 से 5 सेकंड। और इसके बाद सब में रिजल्ट्स भी आए, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लास्ट एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमारी न्यूयॉर्क टाइम्स एपीआई है। नेक्स्ट अब हम न्यूयॉर्क के एपीआई को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे न्यूयॉर्क को ओपन कर लेते हैं, और ये एक ही एपीआई थी, ये भी अच्छा है, और यहाँ पर मैं इस एक एपीआई को कॉपी कर लूँ। और अब इसके जो ऑप्शंस थे वो मैंने तब नहीं था लिखे, तो अब लिख लेते हैं। बिगन डेट, अगर किसी ने मेंशन किया तो, एंड डेट अगर किसी ने मेंशन किया, और इसका डेट फॉर्मेट हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐप हेल्पर में आएंगे, ये है इसकी जो फॉर्मेट है वो चेंज करनी पड़ेगी, कार्बन मेक दिस फॉर्मेट YMD। Elements
इसको एक दफ़ा कॉल करते हैं, इसमें रिज़ल्ट क्या आया था। ज़्यादा डाटा दे रहा है, ओके इसको दोबारा हिट करते हैं, पेज वन सेंड, ओके बस एक ओके। मैं सेवियर को थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, तो इस फील्ड लिस्ट की जो मुझे समझ लगी है वो ये है कि फील्ड लिस्ट में आप बेसिकली जो जो फील्ड्स आपको चाहिए, जैसे कि ये हमारे पास कंप्लीट रिस्पांस है, क्योंकि एक रिस्पांस में ना बहुत ये 6 से शुरू होता है एक रिस्पांस और 1000 पे जाता है, इतना लंबा रिस्पांस तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक रिस्पांस को कॉपी किया, उसको जेसन प्रीटीफाई में रखा और अब जो जो मुझे चाहिए मैं सिर्फ उसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस फील्ड लिस्ट के पैरामीटर में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो अभी मेन मसला ये है कि ये जो मल्टीमीडिया ना ये बहुत लंबा है, इसका मैं सोच रहा हूँ क्या करना, देखते हैं। सोर्स देखते हैं, सेंड नहीं, वो भी मल्टीमीडिया जो है और ये बेसिकली एक किस्म का इनवैलिड ही हो गया। मल्टीमीडिया आप सेंड करता हूँ, ओ सॉरी ये अनचेक है, सॉरी सॉरी सेंड, ओके। मल्टीमीडिया में मुझे इतना मतलब कि ना देखा वो नहीं चला, नहीं खैर मल्टीमीडिया ले लेते हैं कोई नहीं, क्योंकि अब डाटा तो लेना पड़ेगा, ये डाटा तो चाहिए, इतनी तो बात है, हमें इमेज शो करवानी है तो इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, हेडलाइन भी नहीं चाहिए, जो डाटा चाहिए वो तो चाहिए, कीवर्ड्स के बिना काम चल जाएगा। पब्लिश के सेक्शन नेम ले लेते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसे एक दफा कॉल करके देख लेते हैं। ओके
एक ये सही हमारा जो है ना, बहुत ज्यादा। ओके चले देखते हैं। ये हो गया सॉर्ट रेलिवेंस, ये मैंने सही जगह पे ऐड किया, सही है सॉर्ट रेलिवेंस ये, और बाकी सब सेक्शन नहीं है यहाँ पर, इसका फायदा नहीं होगा। एक दफा फिर इसको ट्राई कर लेते हैं, फिल्टर क्यूरी। ये सब ये को कॉल करते हैं और देखते हैं। ठीक हो गया, इसमें कैटेगरी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वापस आके सेंड करते हैं एक दफा, अब इस एपीआई को फिर इसको सेव कर लेते हैं। सेंड, लास्ट 9 सेकंड लगे थे, इस दफा देखते हैं कितने सेकंड लगते हैं। ये आ गया, ये आ गया, सब में हमारे पास डाटा आ गया। डाटा बहुत ज़्यादा है लेकिन चले एटलीस्ट आ गया। सेव करते हैं इसको और यहाँ से ये हमारा यहाँ तक काम ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट एंड पे बेसिकली, अब नेक्स्ट वीडियो में हम यूज़र फीड की एपीआई बनाएंगे और उसके बाद फिर हम फ्रंट एंड में इसकी यूआई बनाएंगे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। इस न्यूज़पेपर ऐप डेवलपमेंट की इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और सोशल मीडिया पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो लोग जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रिएक्ट या लारावेल डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं वो इस कोर्स से फ़ायदा हासिल कर सकें और रिएक्ट जेएस और लारावेल डेवलपमेंट सीख कर जॉब पर अप्लाई कर सकें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.